आज मैं आपसे शेयर कर रही थी ये पास्ता की रेसिपी, जो सभी को, बड़ों को, बच्चों को, सभी को पसंद आता है। इसे मकरोनी भी कहा जाता है। अलग अलग शेप्स में ये मिल जाता है। तो हम पहले इसमें क्या करेंगे कि हम गर्म पानी में इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा नमक डालकर, और कंटिन्यूसली हमें इसको स्पून की हेल्प से इसे हम चलाते रहेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि कितना बॉईल हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम एक छन्नी की सहायता से इसको छान लेंगे। ये हमारा जो पास्ता है अच्छे से बॉईल हो चुका है, एकदम गल चुका है। अब मैं क्या करूँगी, फ्राई पैन में बटर ले लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी सिंगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटर और ऑयल दोनों को साथ में ही मिक्स करके गरम करने वाली हूँ। बटर से जो है इसमें पास्ता में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और ये बहुत ही बच्चों को, बड़ों को बहुत डिलीशियस लगेगा खाने में। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें यहाँ ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं जो हमारी लहसुन को मैंने कट करके रख लिया था, उसे भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा थोड़ा हम इसे फ्राई कर लेंगे, और साथ ही में मैं इसमें हरी मिर्च कटी हुई वो यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो और क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कुछ यहाँ मैंने प्याज थोड़ी लेना है, ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं लेना है। प्याज को भी मैं इसके साथ अच्छे से कुक कर लूँगी। ये देखिए, तो ये टमाटर को मैंने सॉफ्ट करके रख लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है हमारा टमाटर। टमाटर की पेस्ट को अच्छे हम गलाएंगे, तो इन्हें एक दो बार चलाने के बाद अच्छे से कुछ देर के लिए नमक डालकर इसमें मैं भाप में इसे गलने दूँगी। ठीक है, अब हम इसके ढक्कन लगा देंगे, तो इससे हमारा जो ये टमाटर है ये अच्छे से गल जाएगा। तो लगभग हमारे जो टमाटर की कंसिस्टेंसी है गलने की, वो बहुत ही अच्छे से हो चुका है। अब इसमें मैं टमाटर सॉस ऐड कर दूँगी। अगर आप पास्ता बना रहे हैं और टमेटो सॉस ना डालें तो फिर हमारे पास्ते में मज़ा नहीं आने वाला है। अब हम इसमें, हमने जो पास्ता बॉईल करके रखा था उसे मैंने एक पानी से और साफ कर लिया था, वो छान लिया था। इसे मैं इसके साथ अच्छे से एक कर दूँगी, और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। पास्ता जो हमारा है 15 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा पास्ता के हिसाब से मैं इसमें सॉल्ट और ऐड कर रही हूँ के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा यहाँ पे हमने काली मिर्च भी ऐड कर दी। ये देखिए, इसे धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे और ये अच्छे से बन जाएगा। जब तक ये एक सा ना हो जाए इसे हमें अच्छे से कुक करना है। और हमारा पास्ता बनकर रेडी होने वाला है। ये देखिए हमारा पास्ता कितना अच्छा बन चुका है। थोड़ा सा इसे आप ठंडा करने रखें, और आप मेरी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आइए पास्ता का मज़ा लेते हैं।